RPO बहावलपुर ने डिवीजन भर में ट्रैफिक कवानीन के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की अमली इकदाम शुरू कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अमीन से। जी अमीन, अच्छा देखिए, डिवीजन भर में ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए आरपीओ बहावलपुर इंतहाई संजीदा दिखाई देते हैं। जिस तरह हुकूमत पंजाब ने अहकाम जारी किए हैं कि हेलमेट का जो इस्तेमाल है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया, तो आरपीओ बहावलपुर ने भी आज इस हवाले से ना सिर्फ डिवीजन भर के जो डीएसपी साहिबान है ट्रैफिक के उनको बुलाया, बल्कि सोशल एक्टिविस्ट भी इस मुहिम में शामिल हो गए। रोही भी लम्हा बलम्हा कदम ब कदम आरपीओ बहावलपुर की इस मुहिम में आगाही में साथ होगा। मजीद बात करते हैं आरपीओ बहावलपुर, सर बताइएगा, बहुत अहम कंपेन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मीडिया भी आपको सपोर्ट कर रहा है, खासतौर पर रोही टीवी, और ये सोशल एक्टिविस्ट कितनी मुअसर साबित होगी इस तरह की कंपेन आगाही मुहिम? सर जी बिल्कुल, हमने ट्रैफिक को फोकस किया हुआ इस वक्त, तो स्पेशली हेलमेट जो है उसको हम चाह रहे हैं कि अवेयरनेस पैदा करें यूथ के अंदर, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है वो ज्यादातर यूथ उसको इस्तेमाल कर रही है, स्टूडेंट्स हैं, इवन घरों के अंदर हम देखते हैं कहीं बाजार जाना है तो जो जवान लड़का है वही करता है, तो फिर वो जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में हम इन ये बड़े अच्छे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं, यंग लड़के हैं, वॉलंटियर होके हमारे साथ आए हैं और हम इन्हें वेलकम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि सख्ती से ज़्यादा अगर प्यार मोहब्बत से लोगों को ये चीज़ें बताई जाएँ तो इस पर ज़्यादा अमल दरामद हो सकता है। तो हमने अब एक अपना ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप में यही लोग, ये बच्चे ये लीड करेंगे, इसको स्कूल्स कॉलेजेस में जाएंगे, इवन मार्केट्स में जाके लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे, और एक फैमिली के साथ आया हुआ है कोई बाजार में शॉपिंग के लिए, तो उसको बताया जाएगा कि जी आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आप हेलमेट पहने, ताकि अगर आप उस फैमिली के सरबरा हैं, आप अपना ख्याल नहीं करेंगे तो फिर ये फैमिली का कौन ख्याल करेगा। इस लिहाज से इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि रहीम यार खान बहावलपुर और बहावल नगर में ये कंपेन स्टार्ट हो चुकी है और इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ कंप्लीट होगी। लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए कंपेन शुरू की गई है, लोगों को बताने के लिए कि आपकी जिंदगी आपके प्यारों के लिए कितनी अहम है। सोशल एक्टिविस्ट हसन रजा साहब मौजूद हैं जिसने तमाम जो सोशल एक्टिविटी है जो सोशल मीडिया पे और इन्होंने हैंडल करने, हसन बताइएगा कैसे आपको आइडिया आया और क्या समझते हैं कितनी कामयाब होगी कंपेन, पहले भी आप इस तरह के प्रोजेक्ट कर चुके हैं? जी बिल्कुल, असल में अब तक जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं यूथ खास तौर पर इससे सफ़र किए यूथ ने, और हमारे बड़े जिस तरह से होते हैं, तो ये आइडिया हमें यहाँ से आया था कि इन एक्सीडेंट्स को नहीं होना चाहिए, जितने कम से कम ये हों हम लोगों की ही बेहतरी है इसमें, हमारे बड़े हमारे ही यूथ इसमें बचती है, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी, अपने जो आप व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसको देखना पड़ेगा और अपने सराउंडिंग्स को देखना पड़ेगा। जब आप रोड पर आते हैं सबसे पहले आपको रोड पर फोकस करना पड़ता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग फोन यूज करते हैं, एंट्री यूज कर रहे होते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके साथ यकीन दहानी कराइए तमाम ताबून की, बिल्कुल कराइए, और इंशाल्लाह हम मिलके इस चीज की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। और डिवीजन भर की जो कंपेन है उसमें हसन रजा और उसकी टीम जो है वो शामिल होगी, आगाही मुहिम ये शुरू हो चुकी है डिवीजन भर में लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, और हम भी इसे रोही टीवी भी इस कंपेन में भरपूर साथ देगा आरपीओ बहावलपुर की टीम का, और हम लम्हा बलम्हा इनकी कवरेज भी देते रहेंगे।